रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत छपोरा से आपको बता दें कि फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां सरपंच, सचिव और उप सरपंच ने पंचों के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए का निकाल लिए हैं। और इस फर्जीवाड़े का खुलासा ग्राम सभा की बैठक में हुआ, जब सभी पंचों और ग्रामीणों ने विभिन्न कार्यों के लिए खर्च किए गए राशि की जानकारी मांगी गई। अब सरपंच और सचिव ने खर्च की गई राशि का हिसाब नहीं दिया। पंचायत प्रस्ताव के रजिस्टर बुक की जांच की गई, खुलासा हुआ कि कई प्रस्तावित काम के नाम भी नहीं लिखे गए थे और राशि भरकर पैसे निकाल लिए गए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद ग्रामीणों ने जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर से मामले की शिकायत की। शिकायत में ग्रामीणों ने सरपंच, उप सरपंच और सचिव को पद से हटाने और FIR दर्ज करने की मांग की है। मेरी पत्नी मेंबर हैं, पंच हैं, तो उनके फर्जी दस्तखत कर लाखों रुपए की राशि आहरण की गई है। और कल इस संबंध में ना हम लोग ग्राम सभा बैठक सभी तरफ आदेशित किया गया था कि ग्राम सभा की जाएगी, तो नोडल अधिकारी भी आए थे। नोडल अधिकारी आए, जब हम लोगों ने सरपंच, उप सरपंच और जो सचिव बैठे थे उन लोगों को हमने जानकारी मांगी कि आप लोग हम लोगों को जानकारी दो, तो सचिव का कहना था कि मैं वो जो है तो हिसाब किताब रजिस्टर वो घुमा दिया है। उसमें जितने भी 2020 से जितने भी काम की राशि उन लोगों ने आहरण की है, उस सभी कामों की हमने ब्यौरा मांगा कि क्या क्या काम हुआ है करके, तो बोले कि रजिस्टर मेरे पास नहीं है, गुम हो गया है। सचिव ने जवाब दिया, तो सचिव को हमने बोला कि तुमने रजिस्टर घुमा दिया है तो तुमको जवाबदारी कौन लेगा इसके, तो बोलता है कि सरपंच और उप सरपंच ये दोनों हैं, उन लोग के पास भी इसका वो है, कॉपी है करके। उसकी प्रति हम एक कॉपी हमको भी दी गई थी, हुए थे मेरे संज्ञान में, अभी आया हुआ है इसका एक, हम लोग इसका निष्पक्ष जांच करेंगे और जैसे एडिशनल CEO साहब या SAO के माध्यम से हम लोग इसका जांच करके उसका हम लोग ये दे पाएंगे।